अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं ये एक कैप लेके आई हूँ, लेडीज़ कैप है। इसका मैं बता दूँ कितने खाने रखे हैं, यहाँ पे 110 खाने बना के तो ये बॉर्डर बना लिया है, तकरीबन 2 इंच के करीब ये बॉर्डर बना लिया है। तो इतना बॉर्डर बना के फिर इसके 2 हिस्से करके तो दरमियान से ये स्टार्ट करना है, ये बनाना ये वाला, इस तरह यहाँ से बनाना शुरू करना है। फिर एक एक खाना बढ़ाते जाना है, हर दूसरी सिलाई में एक एक खाना बढ़ा के तो यहाँ पे ये 20 खाने रखे हुए मैंने, ये वाले। जब 20 खाने हो जाएं तो फिर ये बढ़ाना काम कर देना है, तो सीधा बुनते जाना। ये जो है बनाई इसकी, ये या तो दोनों तरफ से सीधा सीधा बनाते जाएं तो ये बनते हैं, तो या फिर उल्टी उल्टी सिलाई दोनों तरफ से बनाएं तो ये बनते हैं। इस तरह बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन है। सीधी सीधी सिलाई दोनों तरफ से बना लें या उल्टी उल्टी सिलाई दोनों तरफ से बना लें, तो ये इस तरह यहाँ तक बना लेना है बॉर्डर के बाद। ये 8 इंच तक बना के फिर यहाँ से दरमियान से बिल्कुल ये इतने खाने कम किए हैं, हर दूसरी सिलाई में कम करते जाएं, 3 खाने कम करके तो यहाँ ला के बंद कर दें। मैंने एक और कैप बनाई है, मैं उसका जो सिलाई का तरीका है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये कैप मैंने शुरू उसी तरह की है, ये देखें ऐसे 106 खाने डालें इसमें, ये 106 खाने डाल के फिर ये इतना बॉर्डर बना लिया। उसके बाद इनको आधा करके यहाँ से फिर बनानी स्टार्ट की है, ये भी एक सीधी सिलाई है एक उल्टी सिलाई है, तो ये या तो उल्टे उल्टे रख लें या सीधे सीधे बनाते जाएं, तो ये इस तरह बनता है। ये यहाँ जो एक खाना है ये मैंने एक तरफ से बुना है, एक तरफ से नहीं बुना, तो ये इसका ये ऐसे ज़रा इससे बड़ी फली बनती है। और यहाँ से जो बनाया है ये वाले, ये 2 खाने हैं, ये देखें 2 खाने हैं, इनको एक सिलाई में बनाया है दूसरी में नहीं बुना, तो ये इस तरह बनती जाती है ये लेयर सी। दोनों तरफ से ऐसे किया मैंने, 2 खाने हैं इनको एक तरफ से बुना है एक तरफ से नहीं बुना, तो ये बन गया इस तरह। ये कैप जो है इस तरह पूरी हो गई है, ये यहाँ तक 9 इंच है, थोड़ी सी उससे डिफरेंट है, ये सीधा है और एक उल्टा है। आगे जो है ये गार्डर स्टिच है, यानी कि या तो उल्टे उल्टे बनाते जाएं या सीधे सीधे बनाते जाएं, ये इस तरह बनता जाता है। तो अब इसको सिलाई करेंगे, ये मैं इसका निशान वाला उतार देती हूँ। तो ये यहाँ से ये इसका दरमियान है, इन दोनों को कर लिया आधा आधा, इस तरह आधा उस सिलाई में आधा उस सिलाई में करके अब हम इनको सीएंगे।
इसकी सिलाई जो है वो सुई में धागा डाल के ये मैंने सुई में धागा डाली है। धागा जो है वो लंबा रखना है, ये जो इतना होता है ना इससे 4-5 गुना लंबा धागा रख के तो सुई में डाल लेना है। फिर इसको जो बनाना शुरू करना है, इधर से ये धागा है तो हम लोग इधर ऐसे इसके आगे वाली साइड से यूं धागा गुजार के तो इसको खींच लेंगे इस तरह से। फिर ये ले लेंगे दूसरी सिलाई वाला पहला खाना, उसको सुई में से गुजार के धागा तो ऐसे। फिर यहाँ से ये पहले वाला खाना है इसको लिया, फिर ये वाला एक और नया उतार लिया इस तरह धागा खींच लेंगे। फिर ये वाला पहला जो खाना था उसको ऐसे लेके ये दूसरा इसमें से धागा गुजारेंगे ऐसे। अब इसमें से जो पहले था उसमें से गुजार के यूं दूसरा भी से इस तरफ से ऐसे लेंगे। ये जो है ना धागा एक इसका यहाँ से निकला है। अच्छा मैंने डाल लिया तो अब इसमें से गुजार के ये वाली तो ये दूसरा खाना लेंगे हम। दूसरा खाना लेके तो सिलाई गुजार के धागा खींच लेंगे। अब ये वाला लेंगे तो इसमें से गुजारेंगे यूँ अब ये वाला इस सिलाई वाला पहला खाना फिर ये दूसरा इसको सिलाई में से ऐसे चढ़ा के तो धागा गुजार लेंगे। फिर इधर से सुई डालेंगे तो इसके सामने वाली साइड से ऐसे गुजारेंगे। ऐसे इनको थोड़ा सा खींच लेंगे। फिर ये वाला लेके इसमें से ऐसे धागा इसका लंबा रखना है ताकि हमें जोड़ ना लगाना पड़े। सीते वक्त जोड़ लगाएं तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए लंबा है थोड़ा सा खींचना पड़ता है, लेकिन सफाई से सिलाई होती है। ये जो खाना है इसको लेके फिर ये इसमें से दूसरी सिलाई में से एक खाना ले लेंगे। इनको इस तरह खींच लेंगे धागे को। फिर ये इसको लिया ये वाला लेके फिर इधर से एक खाना फिर ये वाला ये जो सीधे उल्टे हैं
ये मैंने 9 लिए थे खाने, टोटल 9 खाने थे। फिर ये लिए, ये लेके फिर इधर से एक और लेंगे खाना। ये वाला लेके फिर ये लेंगे खाना एक दूसरी सिलाई में से। इसमें से लिया और इसको उतार देना है सिलाई में से। और ये लिया, फिर इस सिलाई में से एक खाना लिया, ऐसे लेके धागा खींच लेंगे। फिर ये इसमें से एक लेंगे, इसी तरह इसको हम सीते जाएंगे। ये खाना ये वाला लिया जो पहले उतारा था, फिर दूसरा लिया, तो यहाँ से धागा गुजार के ऐसे। फिर ये वाला लिया और इधर से एक खाना उतारा इसको ऐसे। फिर ये इधर से ये खाना लिया इस सिलाई में से, फिर ऐसे। इसमें से लेंगे इस सिलाई का, यहाँ से बिल्कुल पता नहीं चलता यहाँ पे, क्योंकि उल्टे हैं तो ये थोड़ा सा है। ये लिए फिर यहाँ से लेके, और ये इस तरह। ये थोड़ा सा धागा खींच लेंगे, फिर ये वाला खाना लिया और इधर से एक सिलाई, दूसरी सिलाई से एक लिया इस तरह। इसी तरह ये आगे से आगे सीते जाना। ये लेके तो फिर ये सिलाई वाला लेंगे। ये मैं थोड़ा सा बना लूँ फिर बताती हूँ। ये मैंने यहाँ तक सी लिया, ये 2-3 खाने रह गए। ये इधर से लेके ये वाला खाना लिया है, फिर ये स्टिच लिया इस तरह। फिर ये स्टिच लेके दूसरा ये ले लेंगे। ये वाला लेके फिर ये तरह। इसका फिर ये स्टिच लेके ये इस तरह से। ये फिनिश हो गया।
अब ये उल्टी तरफ ले जाके यहाँ पे ये गिरा लगा देंगे इस तरह, गिरा लगा के फिर ये धागा आगे ले जाके यहाँ से इसको काट देंगे। ये जो है इस तरह ये कैप बन गई। ये गले में से गुजार के यहाँ से सी लेंगे इस तरह करके। इसको सी के अच्छी तरह यहाँ पे एक गिरा लगा देंगे। ये इधर से लिया धागा, एक उधर से, यूँ सिल गई ये। थोड़े से धागे आगे ले जाके यहाँ से इसको काट देंगे। ये जो धागा है अंदर की तरफ ऐसे निकाल देंगे। ये देखें ये इस तरह कैप बन गई। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। बिल्कुल सिंपल है इसकी बनाई, आप भी बनाएं और लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।